नहीं नहीं वो चुनाव कहाँ का लड़ेंगे, पहले भी तो चुनाव उन्होंने लड़के देख लिया, लड़ लिया ना, सोनीपत लोकसभा लड़ा ही था उन्होंने, बड़ौदा उसी में थी, बाहर थोड़ी थी, उस समय उन्होंने देख लिया, बेटे ने रोहतक लोकसभा लड़के देख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब दूसरे MLAs के कंधों पर चढ़ करके राज्यसभा में चले जाना, ये कौन सी करामात है। वो तो MLAs के कंधों पर चढ़ के चले गए राज्यसभा में, ठीक हो गया, विधानसभा उन्होंने अपने ढंग से अपनी लड़के देख ली। वो तो रोजाना कुछ ना कुछ कहते हैं कि आज सरकार गई कल सरकार गई, यही कहते हैं ना। तो विपक्ष के कहने में यानी कितना उसके तथ्यों में कोई दम है कि नहीं है ये आप जानते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती, पहली बार अब बाय इलेक्शन गिनाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी JJP अलायंस जीतेगी, निश्चित जीतेगी, क्योंकि मैं भी 3-4 गाँव में होके आया हूँ और उन 4 गाँव के अंदर जो माहौल मुझे दिखा है, प्रो गवर्नमेंट, प्रो इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इस प्रकार का लोगों को इतनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, उन सुविधाओं में किसान तो यानी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है। जो ये लोग किसानों के बने रहते मसीहा, आज किसान कहता है कि जितना पैसा अब हमारे अकाउंट में इस बार आया है हमने आज तक कभी नहीं देखा था। कि वो हुड्डा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो तो वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करेंगे, आखिर राजनीति उनको करनी आती हमको करनी नहीं आती क्या। वो ये कहते हैं कि हमने सरकार गिरा देनी है और हुड्डा जैसे बड़ौदा सीट जीतेगा सरकार खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि भाई जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन में हर कोई कहता है ना हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे कहते हैं ना, तभी लोगों से वोट मांगते हैं। अब ये कहने की जरूरत है क्या, अब हम क्या कहेंगे कि सरकार तो हमारी है, आप सरकार हमारी है इसलिए आप सरकार के साथ शामिल हो जाओ, क्यों नहीं कहेंगे, इस कहने में क्या पाप है। अगर आप कहीं और वोट डालोगे तो आप विपक्ष में बैठोगे, ये तो कोई इसमें गणित नहीं है, ये एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए एक स्पष्ट वक्तव्य है। लोकसभा में बड़ौदा में जीतता था मैं, असेंबली में जो उसके बाद तो असेंबली के चुनाव हो लिए भाई, लेकिन सवाल इस बात का नहीं हार जीत का नहीं, हार जीत तो पता नहीं क्यों, ये पहले कितने थे BJP के कितने सीकर थे, जब हार जीत चलती है, लेकिन वो लोकसभा की बात करें, सवाल विधानसभा का, बड़ौदा की सीट विधानसभा के लिए, उस समय भी मैंने कहा था लोकसभा के मुद्दे और होते हैं विधानसभा के और हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं सरकार की जो राज्य सरकार है उसकी परफॉर्मेंस, और इसी वास्ते मैंने ये कहा था जब उन्होंने कहा ही कि भाई अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 2024 तक क्यों इंतजार करें, अभी फैसला कर लें, मुख्यमंत्री जी आ जाएं मैं भी लड़ दूंगा, हमने भी हमारा भी क्लेम, हमने ज़्यादा विकास पूरा विकास किया है, बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। तो मैं कल गया था गोहाना भी सोनीपत भी, और उसके जो रिस्पॉन्स मिला है उसके आधार पर कहता हूँ केवल जीत नहीं बड़े बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी।